उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने यहां इन सभी बातों को अक्सर से उतारने का प्रयास किया है। आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महती भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक ले रहा था, तब मैंने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि आबादी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए युग में प्रवेश किया है। निवेश और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसे होने चाहिए उसका एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश ने आज प्रस्तुत किया है। ये केवल आज नारे नहीं है, ये जमीनी हकीकत के स्तर पर इसको हमें देखने को मिलता है। इन सब का हम अनुभव करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ा था। बिना भेदभाव के पुलिस बल में भर्ती हो, पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। आज आप देखते होंगे किसी भी जनपद में जाइए, बड़े बड़े महानगरों को छोड़ दें तो शेष अन्य सामान्य जनपदों में, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए जनपदों में जाएंगे तो सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर कोई होगी तो वह पुलिस लाइन के अंदर पुलिस के बन रहे आधुनिक बैरक, वह उसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची होगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है, ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया है, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। और प्रयास के इस क्रम में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी उत्तर प्रदेश में किया है, जिसमें गत वर्ष ही हम लोगों ने उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आम जन के मन में एक विश्वास पैदा हो पुलिस के पास, इसके लिए यूपी 112 को और प्रभावी बनाने के लिए जो कदम उठाए गए, इसका रिस्पांस टाइम कम हो सके,